अकलकोट करनूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूब नगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवा कुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो, केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। टेक्सटाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मजदूर को भी दोनों को बल देता है। हमारी सरकार ने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना तय किया है। इनमें से 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार के साथ साथ तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है।